सोनू अपने स्कूल बस में बैठकर बाकी बच्चों और अपनी टीचर टुनटुनी के साथ पिकनिक जा रहा था, तभी बस में अजीब सी आवाज आने लगती है और वो बोलता है, मैडम मुझे पीछे वाली सीट से बहुत अजीब डरावनी आवाज आ रही है, आप देखो ना मुझे डर लग रहा है। अरे गोलू वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये बोलकर टुनटुनी गोलू को बिठा देती है। तभी लास्ट वाली सीट से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा और उसका पति टुन्नू चिड़ा का भूत बाहर आते हैं। मैं हूँ यहाँ, इन बच्चों को आगे नहीं जाने दूंगी, मार डालूंगी। ये बोलते ही भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा चलती बस के आगे एक बड़ा सा पेड़ गिरा देती है, जिससे बस ड्राइवर को अचानक से ब्रेक लगानी पड़ती है। सभी बच्चों को चोट लग जाती है और बच्चे कहते हैं, मुझे चोट लग गई मम्मा, मम्मा मुझे मम्मा के पास जाना है। अंकल अंकल क्या हुआ, बस इतनी जोर से क्यों रोकी, मुझे चोट लग गई है सर पर। बच्चों चुप हो जाओ, डरो मत, कुछ नहीं हुआ है। अरे बंटी भैया सही से बस चलाओ ना, बच्चे डर रहे हैं, देखो ना हरी के चोट भी लग गई है। अरे मैडम मैं सही से चला रहा था, ना जाने बस के आगे ये पेड़ कैसे एकदम से गिर गया, पता नहीं बस कैसे निकलेगी, बच्चों को पिकनिक के लिए लेट भी हो रहा है। सोच क्या रहे हो भैया, जंगल की साइड वाली सुरंग से निकाल लो। ड्राइवर टुनटुनी की बात सुनकर बस वहीं से निकालता है। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उनके सामने आ जाती है। अब ये भूतिया स्कूल बस आगे नहीं जाएगी, ड्राइवर रोक दे इस बस को, अगर ये बस चली तो इन सब बच्चों को भी मार डालूंगी, और शायद तुम जानती नहीं हो ये बस एक भूतिया बस है। भूतिया चिड़िया की आत्मा, इस बस में आत्मा कहाँ से आ गई? तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बच्चों को परेशान करने लगती है। तभी गोलू बोलता है, तुम बहुत गंदी भूतिया चिड़िया की आत्मा हो, छोड़ दो हम सबको, समझे? मिल से निकला नहीं और आया सबको छुड़ाने, अभी बताती हूँ तुझे। ये बोलकर वो गोलू चिड़िया को हवा में उछाल देती है। तभी गुस्से में गोलू भूतिया चिड़िया की आत्मा पर थूक फेंक देता है। ये देखकर बस के सारे बच्चे उस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पर हंसने लगते हैं। अब आया ना मजा, भूतिया चिड़िया की आत्मा हो तो क्या डराओगे, मैं नहीं डरता, मैं मम्मा का ब्रेव बॉय हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर थूका, तुझे इसकी सजा मिलेगी। अरे भूतिया चिड़िया की आत्मा बच्चों को माफ कर दो, छोटा बच्चा है उसे छोड़ दो। नहीं, इस बच्चे की वजह से सारे बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाया है, अब ये बच्चा मरेगा। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा गोलू को मार देती है। ये देखकर सब बच्चे बहुत डर जाते हैं। छोड़ दो, हमें माफ कर दो, देखो ये बच्चे कितने मासूम है, इन्हें बेवजह मत मारो। ये सुनकर टुन्नू चिड़िया की आत्मा टुनटुनी का गला पकड़ लेती है। बच्चे चिल्लाने लगते हैं। तभी हरी तोता से गलती से पानी की बोतल का पानी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पर गिर जाता है। वो चिल्लाने लगती है, पानी को दूर करो, मुझे दर्द हो रहा है। तभी बस के ड्राइवर बंटी कबूतर को समझ आ जाता है, वो आत्मा पानी से डरती है। वो हरी तोता से पानी की बोतल लेकर बोलता है, भूतिया चिड़िया की आत्मा चल सच बता, तू यहाँ इस बस पर कब्जा करके क्यों बैठी है, बता, नहीं तो ये पानी तेरे ऊपर डाल दूंगा। नहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, ये कुछ साल पहले की बात है, मैं इस बस के अंदर अपने पति और बेटी के साथ घर जा रही थी, तभी कुछ गुंडे इस बस में घुस गए और हम पक्षियों से चीजें छीनकर इस बस को नदी में धकेल दिया, जिसकी वजह से हम सब पक्षी की पानी में डूबकर मौत हो गई। जब से हमारी आत्मा इस बस में भटकने लगी। ये सुनकर बंटी टुनटुनी और सब बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं। टुनी तुम्हारे परिवार के साथ गलत हुआ, लेकिन तुम इन मासूम बच्चों को मारकर अपना बदला लेना ये सही नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे कातिलों को पकड़वा कर उन्हें सजा दिलवाऊंगा। ये सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपने पति टुन्नू की आत्मा के साथ उस बस से हमेशा के लिए चली जाती है। रात का समय था, तेज आंधी चल रही थी कि तभी वहाँ से हरी नाम का तोता गुजर रहा था। आज तो रात में आंधी आ रही है, अरे हरी घर जल्दी चल वरना लगता है यहीं बारिश शुरू हो जाएगी। तभी उसे किसी चिड़िया की हंसी की आवाज़ सुनाई देती है।
हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये किसकी आवाज है? चल भाग यहाँ से। तभी भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा उसके सामने आ जाती है। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार के खा जाऊंगी और अपनी शक्तियाँ बढ़ाऊंगी। इतना कहकर भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा हरी तोता को मार देती है और उसकी कटी हुई गर्दन को उठाकर वो अपने गले में पड़ी माला में जोड़ देती है। फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह जंगल के पक्षी भयानक मंजर देखकर डर जाते हैं। हे भगवान, ये किसकी लाश है? इसकी तो गर्दन भी नहीं है। पता नहीं किसने इस पक्षी को इतनी बेरहमी से मारा है। ये कहकर सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद रात हो जाती है और वो भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा फिर जंगल में आती है और हंसते हुए बोलती है। अब तो इस जंगल में एक भी पक्षी नहीं बचेगा। मैं सबको मार कर खा जाऊंगी और इस दुनिया पर राज करूंगी राज। इतना कहकर वो हवा में उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते वो जंगल में घूमने लगती है। उसे जो भी दिखता भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा से मार देती। इस तरह वो भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा पक्षियों को भयानक मौत देने लगी। इन सब से परेशान होकर पक्षी जंगल के सरपंच कड़कनाथ सेठ के पास जाते हैं। ये भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा तो काफी शक्तिशाली लगती है। जंगल के कुछ पक्षी रात में उस भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा के सामने जाएंगे, फिर मैं पीछे से उस पर वार कर दूंगा और उसे बोतल में कैद करके नदी में फेंक देंगे। कड़कनाथ सेठ की बात मानकर कुछ पक्षी जंगल के बीच खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा उनकी खुशबू सूंघते हुए जंगल में आती है। लगता है तुम पक्षियों को अपनी जान प्यारी नहीं है, तभी तो झुंड मनाकर यहाँ पर खड़े हो। आज तो मैं अपना पेट भर के खाऊंगी। तुम सभी अब अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तभी कड़कनाथ सेठ उस पर विभूति डाल देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी जंगल के कुछ पक्षी भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा को सफेद कफन में बांध देते हैं और उसकी अर्थी सजा देते हैं और उसे नदी में फेंकने वाले होते हैं। तभी उसे होश आ जाता है और वो अपनी शक्ति से सबको हवा में उड़ा देती है। तुम पक्षियों की इतनी हिम्मत! तुम पक्षी मुझे बेहोश करके मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम में से एक भी पक्षी नहीं बचेगा। मैं सभी को मार दूंगी। अब भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा खून की प्यासी हो गई थी। वो सब पक्षियों को मारने लगती है। ये सब देखकर कड़कनाथ सेठ पहाड़ी वाले बाबा के पास जाता है और उन्हें अपनी सारी परेशानी बताता है। बाबा उसके साथ जंगल आ जाते हैं और उस भूतिया चिड़िया की आत्मा को देख अपने मन ही मन मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। तभी भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा कमजोर हो जाती है और गुस्से में तांत्रिक को बोलती है। तांत्रिक, इन मंत्रों को पढ़ना बंद कर दे, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैंने आज तुझे छोड़ दिया तो तू मेरे जंगल को बर्बाद कर देगी। अगर तू अपनी जान की सलामती चाहती है तो तू मुझे सच बता दे कि आखिर तू यहाँ पर क्यों आई है और लोगों को क्यों मार रही है। पक्षियों को मार कर इनकी खून को पीकर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहती हूँ और मैं इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहती हूँ। इतना सुनकर बाबा भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा के ऊपर पवित्र जल छिड़क देते हैं, जिसके बाद वो जलने लगती है और मरते वक्त पक्षियों को धमकी देते हुए कहती है। मैं जा तो रही हूँ, लेकिन मैं फिर से वापस आऊंगी और जब आऊंगी तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा जलने लगती है और जलकर भस्म हो जाती है। इस तरह से जंगल वालों को उस भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा से मुक्ति मिल जाती है।